ये अप्लाई हुआ है 12 पिक्सल का। ठीक है, एक बार देख ही लेते हैं इसको, थोड़ा सा ज़्यादा के लिए 20 पिक्सल, तो इसकी वैल्यू देखें अप्लाई करके। ये 20 पिक्सल और वैल्यू अप्लाई करें तो ये ज़्यादा हो गया, लेकिन ब्लैक जो लगा था इसका आउटलाइन वो ज़्यादा हो गया, क्योंकि आपने वैल्यू भी डबल कर दी। तो इसी तरह इसके स्टेप्स जो है वो आप ज़्यादा करना चाह रहे हैं, पहले 1 है 1 स्टेप, अभी 2 कर दें तो इसको अप्लाई करें, इसको 10 नहीं रहने देते हैं, ये ज़्यादा हो जाएगा। 2 करें तो ये देखें इस तरह से इसकी जो है ना 2 स्टेप्स क्रिएट हो जाएंगे, 2 स्टेप्स। कैसे हुए हैं, पहले हमारे पास एक लाइन नज़र आ रही है जो ब्लैक है, ब्लैक आउटलाइन जो है वो एक कलर में, तो अभी ऊपर कंट्रोल टूल के अंदर आपको 2 ये स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर स्टेयर भी बनी हुई है, इधर भी ये आप जो प्रॉपर्टी बार है उधर भी शो हो रहा है और इधर राइट साइड पे भी शो हो रहा है, बेशक इधर से करना है या उधर से करना है एक ही बार। ठीक है, इधर से आप कहें तो ये कुछ इस तरह से कलर जो अपील हो गया, इसके 2 कलर्स आ गए हैं। ठीक है, 1 2 और एक एक पहले का जो आपका राइटिंग स्टाइल का कलर है वो वाला। ठीक है, तो आप कुछ इधर से भी अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह ये कलर्स हैं इनको चेंज करना चाहें जैसे भी वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये है, इसको जूम आउट करके देखें, ये कुछ इस तरह से आपने अगर स्टाइल अपनी उर्दू टेक्स को स्टाइलिंग करनी है तो कुछ इस तरह। ठीक है, ये हो गया, दोबारा जाएं उसी में अपने कंट्रोल टूल के अंदर एक बार शुरू करके करें। ठीक है, ये अप्लाई है पहले से, इधर से आए तो ये था इसका, ये था कि इसके बाद और क्या इसमें, ये डबल स्टाइलिंग, इसके अलावा आप इसके स्टेप्स ज़्यादा करना चाहें वो पहले 2 है अभी 3 कर सकते हैं, अप्लाई करें तो ये एक और आ जाएगा आपके पास स्टेप। ठीक है, कलर वही रहेगा, ये आपका क्वेश्चन होगा कि ये कलर जो है रेड है पहले, उसके बाद लाइट आ गया फिर लाइट है, तो ये इसका ऑटो फंक्शन है कंट्रोल टूल का, कि ये कलर जो है नेक्स्ट जितने भी आप स्टेट जिसमें बनाते हैं स्टेप्स बनाते हैं ये कलर वही लेता है, रेड कलर ही इसने पिक किया, और बाकी जो है बाई की जानी जो है सारे लाइटर मोड में इसको कॉपी पेस्ट करता जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये देखें इसको 4 करते हैं तो ये 4 स्टेप्स बन जाएंगे, कलर आपका रेड ही रहेगा। ठीक है, इस तरह ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा किसी की एक और कॉपी कर लें, आपका ये वाला जो टैक्स है इसकी एक कॉपी की इधर। ठीक है, तो अभी जिस तरह स्टार्ट में हमने देखा था कंट्रोल टूल का, इसका इनर कलर खत्म करते हैं, सिर्फ इसकी बाउंड्रीज हैं ये वाले। ठीक है, इसका भी कलर कोई और कर लेते हैं, जो कुछ इस तरह से आपके पास सिंपल टैक्स लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर अभी अप्लाई करते हैं यही वाला कंट्रोल टूल जो आपका, तो ये कैसे इधर वर्किंग करेगा, ये आप सेलेक्ट करेंगे कैसे और इसको इस तरह ड्रैग करें। ठीक है, अभी जो स्टाइलिंग अप्लाई होगी इसके ऊपर, क्योंकि हमने आउटलाइन के ऊपर अभी अप्लाई करने लगे हैं, इनर कलर इसका जो सॉलिड कलर है वो नहीं है, आउटलाइन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये आउटलाइन इफेक्ट ही देगा हमें, थोड़ा सा ये कुछ इस तरह। ये इतने ज़्यादा क्यों आ गए इफेक्ट, क्योंकि ये इधर 44 रखी है, इसको 1 कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी को आप 2 करना चाहें तो 2 भी कर सकते हैं, ये 2 इफेक्ट्स आ गए हैं आपके पास, इसको जूम आउट करके देखें कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इफेक्ट हो गया, अभी इसको एक ही रहने देते हैं, 1 कलर अप्लाई करें तो जो अंदर वाला है अभी आप उसको कलर भी कर सकते हैं दोबारा से, आउटलाइन बाहर ही रहने दें, इसको कलर जो है वो चेंज कर दें। ठीक है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा करके देख लेते हैं, 15। ठीक है,
तो जो इनर है इसको आप कलर करना चाह रहे हैं तो आप आए अपने ऑब्जेक्ट में इसको कन्वर्ट टू कलर करें। ठीक है, कन्वर्ट टू कलर करने के बाद इसको आप ब्रेक पार्ट करना कंट्रोल पे जैसे पहले करते। ठीक है, अभी आपका अलग हो गया, इसको कलर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आउटलाइन अगर आप लगाना चाहें तो ये लग जाएगी। इसको थोड़ा सा वन लगाने देते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला कि आप इसकी आउटलाइन ये कुछ इस तरह से लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। जिस तरह आपका टेक्स्ट लिखा है, ये आउटलाइन देखिए ब्रेक नहीं है, सारी जैसे जो है वो जुड़ी हुई है सारी। ठीक है, सारी कनेक्टेड है, ये कुछ इस तरह। ये आप डिफरेंट जो है आउटलाइन स्टाइलिंग इसको अपने टेक्स्ट को वो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी भी आउटलाइन लगी हुई है जो आपका टेक्स्ट है, इसको खत्म करना चाहें ये चेंज करना चाहें अभी इसको खत्म कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अभी ये देखें बाउंड्री जो है वो लग गई है। ठीक है, तो ऐसे आप अपने उर्दू टेक्स्ट या उसको स्टाइलिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है सबका। ये था कि आपने अपना उर्दू टेक्स्ट जो है वो कैसे टाइप करके और पाथ के ऊपर लेके आना। ठीक है, अभी हम देखते हैं। पहला तो यह है कि आपने इधर आए और अपना इस तरह जो आपने पाथ जो है ड्रा की, अभी हमने लिप्स किया तो उसके ऊपर अपना कीबोर्ड लेके अपना क्लिक करें, माउस लेके आए और इधर टाइप करना स्टार्ट कर दें कुछ भी। ठीक है, इस तरह ये इंग्लिश का वर्ड है कि ठीक है, इस तरह से आप पाथ के ऊपर जो है वो अपना टेक्स्ट लेके आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह उर्दू का करेंगे वो कैसे करना है उसको ख़त्म करते हैं। हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया अपने विंडो के अंदर, ये उर्दू इंस्टॉलर। ठीक है, उर्दू का छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ये हमने इंस्टॉल किया ये लिंक से। ठीक है, वो इंस्टॉल हो गया विंडो में। अगर आप विंडो और स्पेस बटन जो है प्रेस करें कीबोर्ड से, आपकी राइटिंग उर्दू में चली जाएगी। अभी किस तरह टाइप करना स्टार्ट करें इधर से और विंडो और स्पेस प्रेस करें, अभी आपका कीबोर्ड उर्दू में हो गया। ठीक है, इधर कुछ भी टाइप कर लें, कुछ डिजाइनिंग भी कर लें। ठीक है, डिजाइनिंग ठीक है, कोर्स भी आगे लिखना। ठीक है, इस तरह आपने सिंपल जो है अपने कीबोर्ड से उर्दू टेक्स्ट को जो है वो इधर राइट कर दिया। ठीक है, अपने पाथ के ऊपर एक सोल्यूशन तो ये है। ठीक है, ये भी आपका पाथ के ऊपर ही है। ठीक है, दूसरा भी क्या है कि आप पहले इधर टाइप कर लें, जिस तरह यही वाला टाइप कर लें इधर, कुछ डिजाइनिंग करें। डिजाइनिंग कोर्स ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स आपने टाइप कर लिया। उसके बाद जाएं इधर टेक्स्ट में, फिर टेक्स्ट को बात करें। ठीक है, इसको इधर लेके हैं पाथ के ऊपर, तो ये आपको टेक्स्ट स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, पाथ के ऊपर आपको शो करना स्टार्ट कर दे। तो जहाँ पर भी आप इसको छोड़ेंगे तो इस तरह आपको पाथ के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह बाद में भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह पाथ के ऊपर आके टेक्स्ट इसी की आप कॉपी कर लें। ठीक है, और इसको रोटेट करके इस तरह आप नीचे ले आए या अलग से कर लें।
देता हूँ, ये वाला आपका टैक्स है, इसको आप करें रेट पेड़ के लिए, इसको मिरर कर दें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये आपका टैक्स जो इस तरह पेश हो जाएगा इधर। ठीक है, इसको सेंटर कर लें इधर जहाँ भी आप करना चाहें। ये जो लाइन नज़र आ रही है, इनसे कोई इशू नहीं है, बाद में भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो पूरे को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, कन्वर्ट टू कर्व करें, उसके बाद सर्कल में आके उनको रिमूव करना चाहें रिमूव कर दें। ठीक है, थोड़ा सा इसका साइज छोटा, इधर फिट करना चाहेंगे इधर करना, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये आपके पास के ऊपर आ गए हैं, ये सर्कल आपने यूज नहीं करना है तो इनको डिलीट कर सकते हैं इधर से। कन्वर्ट टू कर्व, कुछ इस तरह, उनको कलिजन देना चाहें वो आप दे लें। ऐसे आप इसको जो है पाथ के ऊपर लेके आ सकते हैं, ठीक है। बाद में आप जो भी इसकी स्टाइलिंग करना चाहें, उसका कुछ की चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। आपने जो सर्कल के अंदर किसी के अंदर लिखना है या कहीं पे भी राइट करना है, इसके स्टाइल में बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे कुछ बनाना चाहें इसका, ताकि जो इसको बोल्ड करना है, बोल्ड करना है या टेक्स्ट को स्टाइलिंग देनी है, वो आपने प्रीवियस क्लास में देख लिया। तो ये सिर्फ सिंपल सा है कि आपने इसको अपने टेक्स्ट को पाथ के ऊपर कैसे ले जाना है, इसी तरह सब सारे पाथ के लिए ऐसा ही है। कोई और भी देख लेते हैं, ये जिस तरह कोई और से अपने इधर आपके पास होगी बैनर, बैनर में से ये वाला ले लें, ठीक है। इसके ऊपर आपने जो चीज़ उर्दू में टाइप करनी है वो कैसे करेंगे, पहले तो टैक्स लिख लें अपना, ये वाला आपका है टैक्स, इसको इस बात के ऊपर लेके आना, टैक्स ऑन पाथ, ये आपका टैक्स आ गया, ठीक है। इसके ऊपर भी आ गया, फिट हो गया ये, ये रेड लाइन जो नज़र आ रही है ये सेंटर के लिए, इधर से आप इसको सेंटर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको छोड़ तो अभी ये हमें नहीं चाहिए, इसका जो लाइन्स हैं वो नहीं चाहिए, तो सेंड कर लें, ठीक है। कुछ इस तरह से डबल हो गया, उसका भी इशू, सारे को सिलेक्ट कर लें और इसको कर लें कन्वर्ट टू कर्व। तो अभी जो आपको लाइन्स वगैरह नहीं चाहिए उनको आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी नीचे करना चाहें ऐसे कर लेंगे,
इसको भी कलर करना चाहें। ठीक है, तो इस तरह से आप पाथ के ऊपर टच किया और राइट कर सकते हैं।